अवम पम शिव शंकर शंभु महादेव शिव शंकर शंभु महाकाल हरि शंकर शंभु जटाजूट हरि शंकर शंभु अवम पम शिव शंकर शंभु महादेव शिव शंकर शंभु महाकाल हरि शंकर शंभु जटाजूट हरि शंकर शंभु काल के हैं महाकाल शंकर जग में जय जयकार शंकर पूजे जो ये नाम है शंकर कर दे उसके काम ये शंकर ओम नमः शिवाय 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 ओम नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के इस वाले व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं बाबा के पास, बाबा केदारनाथ। और हम जा रहे हैं बाय कार, तो कार से सारी डिटेल्स आपको देंगे, टोल टैक्स सीएनजी से रिलेटेड। और वैगनार है, वैगनार में 5 जने हैं। सामान बहुत ज़्यादा हो चुका है, वो तो मैं दिखाता हूँ। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको 10 से 15 दिन पहले से आपको रजिस्ट्रेशन पास पंजीकरण जो भी बोलो वो बुक करा लेना है और चल देना है केदारनाथ बाबा के भरोसे। आज रात को हमें निकलना है, आज है नवमी, कल दशहरा है। दशहरा को हम सोनप्रयाग में होंगे हमारी प्लान के मुताबिक, और सोनप्रयाग से फिर हमें जाना है गौरीकुंड में स्टे करना है, और फिर गौरीकुंड से जय केदार। पैकिंग के नाम पे पूरी अलमारी भर ली है, और बस आओ देखो, मैं दिखाता हूँ। 5-6 किलो, इसका 10-12 किलो मैंने उठाऊंगा। में कंबल हैं, कपड़े हैं, इसका इससे ज़्यादा ही होगा, मतलब ये कुल मिला के हमारा 30-35 किलो हो गया, ठीक है। बाकी सब एसेसरीज वगैरह है, इसमें दवाई दारू, दवा दारू, अरे यार दारू नहीं, दवा, कपड़े और खाना पीना, इन दो में खाना पीना है। और ये रहा मेन, पानी पी लो, अपने को निकलने का है, पता नहीं कब निकलने का, 10 से लेके 12 बजे तक के बीच में निकलेंगे। और गूगल मैप्स के हिसाब से 12 या 13 घंटे लग रहे हैं, हम 15 से 16 घंटे लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमें हरिद्वार भी जाना है, नहाना नहीं है भाई, रात को हरिद्वार में से निकलेंगे। तो साथ में बने रहिए, चलते जाइएगा हमारे साथ, छोड़ के नहीं जाइएगा। तो रेडी हो चुके हैं और अभी निकल रहे हैं केदारनाथ के लिए। गाड़ी पूरी धो धा के तैयार कर दी है, 9:30 हो रहे हैं, 9:30 में मुझे पता है अभी बैग वैग ले जाएंगे, 10 तो बज जाएंगे निकलते निकलते। तो बैग वैग ले जाने, अभी नीचे बहुत सारे बैग हैं, तो 10 बजे तक तो नीचे ही पहुंचे हैं, देखते हैं आगे कितना सफर तय कर पाते हैं। गाड़ी में ठूसा ठूस सामान भर के हम चल दिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से हरिद्वार की ओर। हरिद्वार का रास्ता 2.5 से 3 घंटे का है, वो तो बहुत ही जल्दी गुजर जाएगा, पर जो रास्ता ऋषिकेश के बाद पड़ता है, यानी कि पहाड़ों का ऋषिकेश से सोनप्रयाग, वो हमारा सबसे ज़्यादा समय लेगा। तो वो गाजियाबाद आ चुके हैं, 11 बज चुके हैं, सिर्फ गाजियाबाद ही पहुँच पाए हैं। टोल टैक्स यहाँ पे 160 रुपीज़ का है, और आगे और टोल टैक्स पड़ेंगे, 2 या 3 और हैं। आपका अगला टोल पड़ेगा मेरठ बाईपास की एंडिंग में, और यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे 110 रुपये। मेरठ बाईपास पे चढ़ने और उतरने का आपका 270 रुपये हो गया। बाकी एक और आगे टोल पड़ेगा, जो कि पड़ेगा हरिद्वार की स्टार्टिंग में, और ये हरिद्वार से पहले टोल पड़ेगा, जिसका रेट है 100 रुपीज़। अब हम पहुँच चुके हैं हरिद्वार, और हरिद्वार ही वही जगह है जहाँ पर समुद्र मंथन के बाद अमृत की पहली बूंद गिरी थी, और यहीं पर हमारी गंगा मैया पहाड़ों से मैदानी इलाके में आती हैं। शिव कैलाशों के वासे दौड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शिव शंभो हरना, शंकर संकट हरना।
1:30 बज रहे भाई, ठंड केणी हो रखी है। अब बोलते ना केणी, गंगा जी नहाने जाओगे? आए गंगा जी सुना नहीं मेरा भाई मुँह तो क्या था? तो नहाने का प्लान है भाई? जाते ही ना, ठंड लग रही बड़ी केणी। ज्यादा ठंडा पानी घाट है, आपको हर समय शांति मिलेगी इस घाट पे, श्री स्वामी नारायण घाट। और हाँ, आप केदारनाथ किसी भी महीने में आए, ठंड के कपड़े जरूर लेके आए। अभी पक्का भाई टेम्परेचर देख के बताते हैं तुम्हें। पता नहीं अब गर्मी लगने लगी, 18 डिग्री सेल्सियस ही तो है, पता नहीं हवा बहुत चल रही है, पानी का तो माइनस में था। और सुबह सुबह 4 बजे हम पहुंच जाते हैं देवप्रयाग, जहां से हमारी गंगा माता बनती हैं, मतलब भागीरथी हमारी बन के आती हैं गौमुख से, लेकिन यहाँ पे आके गंगा माता बनती हैं भागीरथी और अलकनंदा के संगम से। जो ब्लू कलर में आपको नदी दिख रही है वह भागीरथी हैं, और जो ब्राउनिश कलर में है वह अलकनंदा है। और हमारी सुबह की शुरुआत होती है खूबसूरत नज़ारे, नहीं 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 नहीं, एक कप चाय से। और देवप्रयाग के बाद आपका चाय नाश्ते का इंतज़ाम तो श्रीनगर में हो ही जाएगा। और रास्ते में पड़ता है एक बहुत ही प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर, और कहा जाता है कि ये माता उत्तराखंड के 4 धामों की रक्षा करती हैं। जब 2013 में केदारनाथ में प्रलय आई थी, तब इसी मंदिर से इंजीनियरों ने कुछ छेड़छाड़ की थी। और धारी देवी मंदिर का ट्रैक है 1 से 1.5 किलोमीटर का, जो कि एकदम स्टीप चढ़ाई का है, इसलिए जा सके तो जाए। धारी देवी मंदिर के लिए भी दम होना चाहिए भाई, उतरने में तो मजा है लेकिन चढ़ने में हालत टाइट हो जाएगी। और रुद्रप्रयाग से पहले आपको अलग होना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, अगर आपको केदारनाथ जाना है तो। अगर आपको बद्रीनाथ जाना है तो आप सीधा रुद्रप्रयाग से अंदर से होकर के बद्रीनाथ जा सकते हैं। अगर आपको बद्रीनाथ नहीं जाना है तो आप लेफ्ट से मुड़ करके केदारनाथ की तरफ बढ़ सकते हैं। और रुद्रप्रयाग से अलग होने के बाद आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि खराब रास्ते, कच्चे रास्ते, सिंगल लेन रोड। गुप्तकाशी से आगे बढ़कर हमने थोड़ा सा नाश्ता किया था, 1 आलू का पराठा और चाय। बहुत ही लंबा सफ़र तय करके हम पहुंचते हैं सोनप्रयाग। हाँ, सोनप्रयाग तक ही गाड़ी जाती है अपनी पर्सनल, बाकी सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक आपको कमर्शियल गाड़ी मतलब टैक्सी में जाना पड़ेगा, जिसका फेयर है 50 रुपीज़ पर पर्सन। और यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ी मल्टी लेवल पार्किंग मिलेगी, जिसका फेयर है 12 घंटे का 100 रुपीज़। इस पार्किंग में बहुत ही सारी गाड़ियाँ थी, और ये रही अपनी वैगनार। और फिर हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ चल दिए गौरीकुंड की ओर। अभी गौरीकुंड के लिए टैक्सी लेनी पड़ेगी जैसा कि मैंने बताया, और टैक्सी के लिए हमें चलना पड़ेगा 1 किलोमीटर। और उसी रास्ते के बीच में आपको एक तरफ बैरिकेड मिलेगा और एक तरफ आपको रजिस्ट्रेशन की चेकिंग में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ बंदे गिनेंगे और QR स्कैन करेंगे, आपकी एंट्री हो जाएगी कि हाँ आप गौरीकुंड की तरफ बढ़ दिए हैं।
और जैसे कि मेरा मोटिव ये है आपको इन्फॉर्मेशन देना, जिससे कि आप जब घूमें आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि टैक्सी के लिए सुबह में ना आए। सुबह में ये जो आप बल्लियाँ देख रहे हैं, इनके पीछे पूरी टैक्सियों के लिए लाइन लगी होती है, इसलिए मैं बोलूँगा कि आप आएँ दोपहर में, जिससे कि आपको बिल्कुल भीड़ ना मिले। हम तो गए, हमें टैक्सी रेडी मिली, जैसे कि वो हमारे लिए ही इंतज़ार कर रही हो, और हम टैक्सी में बैठे और चले गए गौरीकुंड की ओर। और टैक्सी वाले आपको गौरीकुंड में 400 से 500 मीटर पहले ही उतार देंगे, जिससे कि आपको वो रास्ता चल के तय करना पड़ेगा। गौरीकुंड, गौरीकुंड वही जगह है जहाँ पर पार्वती माता ने तपस्या की थी शिव जी को शादी के लिए मनाने के लिए। और गौरीकुंड में स्नान के लिए आपको उबलते हुए पानी का एक कुंड मिलता है, जिसमें कि लोग अपने रोग कष्ट मिटाने के लिए नहाते हैं। और उस कुंड पर जाने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे उतर के जाना पड़ेगा। और हमने गौरीकुंड में नहा कर गौरीकुंड में सिर्फ अपने ऊपर पानी छिड़कने का फैसला किया, क्योंकि वहाँ पर भीड़ ज़्यादा थी और हमें जल्दी फ्री होकर जाना था, इसलिए हम आइस कोल्ड वाटर में नहाए, जो कि था आइस बाद, जो कि ज़िंदगी भर याद करने लायक था। इसीलिए नहाए जल्दी जल्दी और फिर हम रेडी होके निकल दिए मस्त ट्रैक की ओर। और हमने अपना एक बैग यहीं के एक लॉक रूम में लॉक करा दिया, जिसका रेट था 100 रुपीज़ पर बैग। पूरे 41 पे ट्रैक चालू करेंगे। इतनी चढ़ाई है भाई, पहला स्टॉप लिया है गौरीकुंड के बाद। भाई जी क्या हाल चाल है भाई? और केदारनाथ का जो ट्रैक है वो 16 किलोमीटर लंबा है, और अगर आपको वह 16 किलोमीटर तय करने हैं तो उसके लिए आपका बैग हल्के से हल्का होना चाहिए, और उस बैग में आपकी सारी ज़रूरत की दवाइयाँ, जैसे कि पेन किलर, बुखार की, और अगर आपको कोई हेल्थ इशू हो उसकी दवाइयाँ ज़रूर रखें। और इस ट्रैक के अंदर आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि घोड़े और घोड़े। हाँ भाई, जितने तो लोग ट्रैकिंग नहीं करते उससे ज़्यादा आपको रास्ते में घोड़े मिलेंगे। यहाँ गाड़ियों का जाम नहीं, घोड़ों का जाम लगता है। उनमें से कोई भी आपको कब खाई में धकेल दे वो तो भगवान जाने। और बातों ही बातों में हमने बहुत रास्ता तय कर लिया है, और रास्ते की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। इस हालत को देखकर मेरी तो हालत ख़राब हो चुकी है, और मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप चॉकलेट जैसी चीज़ें ट्रैकिंग के वक्त लेकर जाएं, जिससे कि ये चीज़ें आपको शुगर प्रोवाइड करके एनर्जी प्रोवाइड करेंगी। भाई साहब 2.5 किलोमीटर आ पाए, हालत ख़राब हो चुकी है, ये देखो। आगे स्नोफॉल हो रही है, जो कि एक गुड न्यूज भी है और बैड न्यूज भी। बारिश होने चालू हो गई, और हम सब प्लेन के साथ आते हैं इसलिए हम पे बहुत सारे रेनकोट भी है। टेंशन की बात नहीं है, बस चलने में चलने में अभी भी दिक्कत है, और बारिश में और ज़्यादा दिक्कत होगी, बस वही एक दिक्कत है। ये डंडा जमीन पे पड़ा हुआ मिल गया। अब धीमे धीमे दिन ढलता जा रहा है, और हम पहुंच पाए हैं जंगल चट्टी, जो कि 5 किलोमीटर दूर है गौरीकुंड से। भीमबली से थोड़ा पहले आपको 2 रास्तों के ऑप्शन मिलेंगे। एक रास्ता होगा जिस पे सभी घोड़े वाले बट जाएंगे, जो कि ऐसा स्टीप चढ़ाई का है, जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा पैदल यात्रा के लिए। आप सीधा जाएं, जो रास्ता आसान रहेगा। अरे ओए, ये तो हिल रहा है, ओ भाई तो पूरा हिल रहा है। ओए चालू जाके बाप रे। तो भाई रास्ते में लाइटिंग की बहुत दिक्कत है, इसलिए हम तो जुगाड़ लेके चलते हैं, चल रहे हैं। बहुत बहुत खतरनाक रास्ता है। अगर आप सोच रहे हैं कि केदारनाथ ट्रैक बहुत आसान होगा,
तो आप देख लीजिए, ये एक एग्जाम्पल है स्टीप चढ़ाई का। बाबा की कृपा से हमें बड़ी लिंचोली में GMVN के डोर मैट्री अवेलेबल मिलते हैं, जिससे कि हम वो लेके वहीं पे रात को सो जाते हैं। और ये डोर मैट्री 900 रुपीज़ पर पर्सन थी। फिर नहा धोकर रेडी होके हम बढ़ दिए आधा ट्रैक कवर करने के लिए। लाइव न्यूज, बर्फ गिर रही है, मजा आ रहा है। ये देखो ये बर्फ है, छूते ही गायब। ओ भाई बर्फ गिर रही है, दिख रही होगी शायद, देखो दिख रही है। ये है नंदीगम, जो कि GMVM का है ना। ये 20 कैंप में पड़ता है। ये यहाँ से केदारनाथ 1.5 किलोमीटर रह जाता है। और ये जो पल था ना, इसे कहते हैं सुकून। बस दिख गया था हमारी मंजिल हमारी आंखों के सामने है, पर अभी भी मंजिल वो बहुत दूर थी। और बेस कैंप के बाद आपको घोड़ों से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि बेस कैंप में ही उन सब का स्टॉप होता है। और बेस कैंप के पास जो 1.5 किलोमीटर का रास्ता है वो बिल्कुल प्लेन है, जिससे कि उसे कोई भी आसानी से चल सकता है। केदारनाथ में एंट्री करने से पहले वेरिफिकेशन होती है, जो हमने रजिस्ट्रेशन करवाई है। और आधा किलोमीटर पीछे है केदारनाथ से हेलीपैड। ये है भैरव मंदिर। और हम केदारनाथ में पहुंचते ही लाइन में लग गए दर्शन की, जो कि ज़्यादा लंबी तो नहीं थी, लेकिन इसमें टाइम हमें बहुत लग गया, क्योंकि हमने लाइन ज्वाइन करी थी 150 अराउंड कुछ, और 3 से 5 के बीच में होती है आरती, और आरती के चक्कर में हमें 2 घंटे लाइन में रुकना पड़ा। केदारनाथ की ठंड में कपड़ों की कमी तो नहीं पड़ी, पर जितने कपड़े थे वो कम पड़ गए। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कपड़े जितने पहन लो तुम्हें ठंड तो ज़रूर लगेगी। और बर्फबारी समय के साथ बढ़ती जा रही थी, और हमारे अंदर बाबा के दर्शन के लिए उत्सुकता भी। हमारे दर्शन तो 3 से 3.5 घंटे में हो गए, जबकि हमारे दर्शन की लाइन के बीच में 2 घंटे की आरती भी पड़ी थी। और अगर आप मंदिर के पीछे की साइड में चल करके जा करके देखेंगे तो आपको मिलेगी भीमशिला, और ये वही भीमशिला है जिसने कि 2013 की आपदा में केदारनाथ मंदिर को टूटने से बचाया। और अगर आप मंदिर के थोड़ा और पीछे आएंगे इस रास्ते को फॉलो करते हुए, तो आप पहुंचेंगे श्री शंकराचार्य जी के मंदिर में, जो कि अभी कुछ सालों पहले ही बना है। जो पहुंचा वो स्तब्ध सा देखता ही रह गया, कहने लगा दोनों हाथ जोड़ के, आया मैं जो आया पाया, मैंने पाया देखा आंखों से तो आया यकीन आया। कहते हैं क्यों देव भूमि धरा को स्वर्ग से आती है यहाँ हवा, जो ये छूती है तन को शीतल मानो हो, लगे तो पास है कोई विषाणु हो, रंग बिरंगी है फूलों की घाटियाँ, रात सितारों से जगमग हो वादियाँ, यहाँ पहाड़ों में रहता तू भोले, सुंदर नजारों में रहता तू भोले, घर तेरा है भाया बोले बोले मेरे बोले, यहाँ कण कण में तू समाया भोले
और ये वीडियो आप लोग देख लें कि यहाँ पे ऐसी रेट में कुछ आपको अराउंड में खाना मिल जाएगा। और हमने खाना खाया इटाबा भवन के नीचे, एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है, वो बजट में आपको बेस्ट खाना प्रोवाइड करेगा। और हम डिसाइड करते हैं कि अब हम वापस निकलेंगे रात को ही और बड़ी रिंचोली में उसी जगह स्टे करेंगे। आओ दोस्तों आपको एक चमत्कार दिखाएं, ये है चमत्कारी कुंड। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। बोले बोले लाइट बोले। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। आ गए देखो हमारी बना पहले। बम बोले बम बम बोले। हर हर महादेव। चलो केदारनाथ मेन मंदिर। मेन मंदिर है यहाँ से, आप यहाँ से निकल के आते हो तो ये सामने जस्ट ये मंदिर है। यहाँ पे खाई है यहाँ से देख और के। यहाँ से आप बाहर निकलोगे तो सीधे आप हेलीपैड और गौरीकुंड के लिए रास्ता निकलिए। सही है रात का समय नीचे उतरने को या चढ़ने को, कोई घोड़े वाला नहीं मिलेगा। और जो मजा यहाँ से रास्ते में उतरने में है ना, वो तो अलग ही मजा है। और उतरते पे हम यही सोचते आए कि इतनी खड़ी चढ़ाई हमने आखिर चढ़ी कैसे। उतरने में कोई बात ही नहीं थी भाई, हमने 1.5 घंटे में बड़ी लिंचोली तक का डिस्टेंस यानी कि आधा रास्ता तय कर लिया था, जो कि सबसे ज़्यादा ढलान वाला था। और मैं आपसे एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, कोई भी मजबूरी पड़ जाए टेंट मत लेना, क्योंकि टेंट में ठंड इतनी लगती है नींद तो बिल्कुल नहीं आती। हमें क्योंकि डोरमेट्री ना मिला इसलिए हमें मजबूरन टेंट में स्टे करना पड़ा। और ये सुबह का सीन है बड़ी लिंचोली का। बड़ी लिंचोली में रोडों पर बर्फ़ जम गई थी ठंडी के कारण, तो सोचो टेंट के अंदर क्या हमारा हाल होगा। टेंट में ठंड नहीं रुकती है मैं आपको पहले बता दूं, और टेंट अगर मजबूरन आपको लेने भी पड़े तो प्लीज़ बाहर के ना लेके वो GMVN के ही लेना, क्योंकि उसके अंदर आपकी सेफ्टी रहेगी। और 123 पे हम आखिर पहुँच ही गए गौरीकुंड। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप नहीं चल पाते हैं तो कृपया आप पैदल यात्रा ना करें। तो हमारा इस यात्रा में बस साथ यहीं तक था, और अगर आपको इस यात्रा में आनंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी नई यात्रा की वीडियो जल्द से जल्द मिल जाए।